हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अभी का जो अपडेट है वो बहुत ही मेजर अपडेट है कि आपके एग्जाम डेट्स में बहुत ही भयंकर वाला चेंज हुआ है। जो पुराना डेट शीट मैंने शेयर किया था उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि अब इग्नू किसी भी तरह का बदलाव इसमें नहीं करेगी। अगर आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे रिवाइज जो है एग्जाम की डेट शीट पब्लिश की गई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है इग्नू डेट शीट। आप जैसे ही टाइप करोगे इग्नू का जो वेबसाइट है वो निकल करके आ जाएगा। इस पे भी जा सकते हो, पर जो इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पे जाना है। ठीक है, या दिस इज इट, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस वेबसाइट, बट ठीक है, ये हम लोग होम पेज पे चले आते हैं। सिंपल नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। मतलब डेट्स को रिवाइज किया गया है। तो एमकॉम के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अभी डेट्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या किस किस दिन आपके एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। तो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम डेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट सारे के सारे, आपको बताना चाहूंगा एमसीओ वन का जो आपका पेपर है वो आपका 16 दिसंबर को होगा। 16 दिसंबर 2024 एग्जाम की टाइमिंग रहेगी सेकंड हाफ में, मतलब 10 से 1 के बीच, सॉरी फर्स्ट हाफ में 10 से 1 के बीच में आपकी आपका जो है वो एग्जाम होगा। उसके बाद एमसीओ 21 का आपका पेपर होने वाला है। डेट वाइज अगर हम देखें तो एमसीओ 21 आपका अगला पेपर होगा जो कि 18 दिसंबर को होगा, 10 से 1 के बीच में ही। फिर एमसीओ 4 होगा 27 तारीख को, और फिर एमसीओ 5 होगा 28 तारीख को। टाइमिंग जो है सेम रहेगी 10 से 1 की। ठीक है, तो कोर्स वाइज अगर आप देखें तो पहले आपका एमसीओ 1 होगा, फिर एमसीओ 21 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। डेट्स भी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो आप इस पीडीएफ को आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आई होप कि आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल गया होगा, है ना? पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे कॉल कर लो, आई मीन व्हाट्सएप कर लो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये। साथ ही साथ बताता चलो कि नोट्स हमारे पास रेडी हो गए हैं सारे के सारे पेपर्स के। अगर आपको चाहिए यू कैन टेक इट। इट विल कॉस्ट यू ₹250 पर पेपर। अगर आप सारे पेपर्स एक साथ लेते हैं आपको सिर्फ ₹250 पर पेपर में मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको मिलने वाला है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि उसके चार्जेस हैं ₹300 पर पेपर। जो एग्जाम की जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा। नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नोट्स ही पढ़ना है फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। तो वो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं जो चार्जेबल हैं वो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है हमारे वेबसाइट पे। आप हमारे वेबसाइट पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे स्टडी कर सकते हो। बट पहले आपको पीडीएफ अपना फिनिश करना है, ठीक है? और पीडीएफ की कीमत जो है आपको ₹250 पर पेपर पड़ेगी। उसके साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? और आई होप कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, पर अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो ये रहा हमारा सेकेंड सेमेस्टर। एमसीओ 6 का पेपर जो है वो आपका 30 दिसंबर को है, एमसीओ 22 4 जनवरी, एमसीओ 23 7 जनवरी, और एमसीओ 24 7 दिसंबर, सॉरी पहले सबसे पहला आपका एमसीओ 24 का ही एग्जाम है जो कि 7 दिसंबर को है। ये डेट आप ध्यान रखना, एमसीओ 24 का आपका एग्जाम सबसे पहले होगा जो कि 7 दिसंबर को होगा, 2 से 5 के बीच में। एमसीओ 23 आपका 7 जनवरी को होगा, एमसीओ 22 4 जनवरी को होगा, और एमसीओ 6 आपका 30 दिसंबर को होगा। तो सबसे पहले एमसीओ 24 होगा, फिर एमसीओ 6 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा। सबकी टाइमिंग सेकंड हाफ में है एक्सेप्ट एमसीओ 6। एमसीओ 6 का पेपर जो है वो आपका 10 से 1 के बीच में होगा, बाकी के तीनों पेपर जो है वो 2 से 5 के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बातें बता दी ऑलरेडी। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप नोट्स लेते हैं तो, और नोट्स के साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको ₹250 पर पेपर में मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक यू नो जो एजुकेशनल वीडियोज हमारा जो चलता था वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो उसके लिए भी आप थोड़ा वेट कीजिए, वो भी धीरे धीरे अपलोड होंगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमारा प्लेलिस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत ही सिंपल तरीके से वहां से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सुनना पसंद है तो आप वहां से बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कॉमर्स की पाठशाला आपको गूगल में टाइप करना है। सिंपली टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे हमारा यूट्यूब
चैनल जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो भी आपको स्टडी करना है, अगर आप एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की स्टडी करना चाहते हो, यहाँ पे एमसीओ 1, एमसीओ 4, 5, यू नो 21, 6, ये सारे के सारे, एमसीओ 23, 24, ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए उसी तरह से वीडियोस जो है वो मैंने बना रखी हैं, अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स को गोली मारो। एमकॉम अगर आपका ओल्ड कोर्स है, आईबीओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पहले चलता था, वो भी सारे के सारे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो सारे के सारे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सबके सब है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला, सेकेंड ईयर मिला करके सारे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो तो ये आपके चार पेपर्स के हम लोग स्टडी यहाँ करवाते हैं। एमकॉम बीकॉम सेकंड ईयर में टोटल एट पेपर्स हैं, उसमें से 7 की स्टडी हम कराते हैं, और एमकॉम बीकॉम थर्ड ईयर में आपके सारे के सारे पेपर्स की स्टडी हम कराते हैं। तो उसके भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ आपको वीडियोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि वीडियोज थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा वीडियोज नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज, ठीक है ना। और ये बीकॉम ओल्ड का कोर्स है, तो कोई अगर इको 1, इको 2, इको 3 कोर्स है किसी का, तो वो भी यहाँ से आकर के इन वीडियोज को वॉच करके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगला वीडियो भी देखिएगा जहाँ पे मैं आपको एमकॉम का जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है उसके भी आपके डेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।